हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमारे पास क्या है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में आपने 6 चैप्टर में भी पढ़ा है, अब हम उससे आगे 7 चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। कैसे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका नाम क्या है? ए बी सी डी, एंड ए सी इज इक्वल टू ए डी, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और ए बी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हम कैसे बताते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल दी होंगी, और दोनों ट्रायंगल्स में हमें कम से कम तीन चीज इक्वल दिखाएंगे। कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल्स के अंदर टोटल कितने होते हैं? 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, टोटल कितने हो गए? 6। उन 6 में से कोई भी 3 चीज़ हमारे पास, कोई भी 3 हम क्या दिखा देंगे? इक्वल दिखाएंगे, तो क्या बोल देंगे? ट्रायंगल्स कैसी हैं? कॉन्ग्रेंट। देखते हैं कैसे। ये आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए सी एंड ए डी, और जो ए सी है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है, एंड ए बी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड ए बी डी, और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, तो कम से कम तीन चीज़ इक्वल दिखाएंगे हम। कैसी? इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी। अब देखो, सबसे पहले क्या है, ए सी है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल, ये तो आपके पास क्या है? गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज़ हो गई हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया गिवन। उसके बाद हमारे पास क्या बोल रखा है, जो ए बी लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है इट मीन्स क्या करती है? हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। तो ये दोनों एंगल भी, तो इधर से ये एंगल और इधर से ये एंगल, ये भी तो इक्वल हो गए। इसको हम क्या लिख देंगे? बी ए सी या सी ए बी, किसके इक्वल हो जाएगा? डी ए बी के। दोनों के एंगल भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। थर्ड क्या है हमारे पास, ए बी जो लाइन है वो ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे तब भी आएगी, और नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे तब भी आ रही है। तो ए बी दोनों में क्या हो जाएगी? कॉमन। और तीन चीज इक्वल होती है, हम क्या बोल देंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी डी बाई एस ए एस। कैसे? साइड एंगल साइड, किससे है हमारे पास? साइड एंगल साइड से हम क्या बोल देंगे इसको? कॉन्ग्रेंट बोल देंगे। फिर हमारे पास क्या बोल रखा है, बी सी और बी डी के बारे में? कोई भी जब हमारे पास ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी, तो उसके अलावा जो उसके और साइड्स और एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। तो हम क्या बोल देंगे कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है? बी डी के बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, देखते हैं। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्या दे रखी है? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। प्रूव दैट एंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी। सबसे पहले तो हम इसी को प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी। देखो क्या क्या देखते हैं, ए बी डी, ए बी डी, ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल तो आपको ये दे रखी है ए बी डी, दूसरा क्या दे दिया? बी ए सी, बी ए सी, एक ट्रायंगल आपको ये दे रखी है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है? दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। एक तो हमारे पास क्या है, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल हैं, गिवन में है। एक तो हमारे पास ये दोनों में इक्वल आ जाएगी। फिर दूसरा हमारे पास क्या आता है कि इन दोनों से अगर हम ये वाले ट्रायंगल बनाएं तब भी ए बी आर है, इधर से बनाएंगे तब भी ए बी आर है। दो चीज़ हो गई हमारे पास गिवन, एक हमारे पास एक एंगल हमें गिवन पहले से दे रखा है, तो तीन इक्वल दिखाएंगे। कैसे? इन द फिगर ए बी सी डी इज एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी है वो किसके इक्वल दे रखा है? बी सी के, और एंगल डी ए बी, डी ए बी जो एंगल डी ए बी है वो किसके इक्वल है? सी बी
ए के, तो सी भी ए के, इट मीन्स ये दोनों का एंगल भी क्या है, इक्वल हो गई, इक्वल हमारे पास। तो हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल, ये हमारे पास फिगर ऐसे बनी हुई है, आपकी जो फिगर है वो है ऐसे, ऐसे बना रखी है हमने फिगर, और इस दोनों को मिला के हमने क्या किया, एक ये इधर से ऐसे ड्रॉ कर रखा है आपके पास, ए बी सी और डी, हमें ये बताना है। अब देखो ए बी डी, ये हमारे पास क्या है ए बी डी, इसके अंदर क्या है ए डी, वो किसके इक्वल दे रखा है, बी सी के, गिवन है। दूसरा क्या दे रखा है डी ए बी, ये आपके पास गिवन में दे रखा है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, वो भी क्या हो गया गिवन। और थर्ड क्या बताया था, ए बी दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है, कैसे साइड एंगल साइड, तो क्या बोल देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल बी ए सी वाई एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट। उसके बाद हमें प्रूव करना था बी डी इज इक्वल टू ए सी, जो बी डी है वो किसके इक्वल है ए सी के, तो क्या बोल देंगे भाई सी पी सी टी, क्या बोल देंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। और हमें प्रूव करना था ए बी डी किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है, वो भी क्या बोल देंगे बाई सी पी सी टी। एक बार हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे, उसके बाद हम सभी पार्ट्स को क्या बोल सकते हैं उसके सी पी सी टी कि वो भी इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट क्या है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके ऊपर ए डी और बी सी दो परपेंडिकुलर दे रखे, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, हमें प्रूव करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को, ये प्रूव करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये दोनों इक्वल दिखा देंगे कि ओ ए है वो किसके इक्वल आ जाए ओ बी के, तो हाफ में डिवाइड करेगा, इट मीन्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, अब ये दोनों क्या दे रखे, दोनों में इक्वल दे रखे हैं, और ये जो एंगल है ये दोनों में क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। देखते हैं क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ डी, ये एंगल किसके इक्वल होगा बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरा क्या दे रखा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का, तो क्या लिख देंगे सी बी ओ, और इधर क्या लिख लेंगे डी ए ओ, ये क्या है ईच 90 डिग्री। थर्ड हमें क्या दे रखा था इक्वल, ए डी इज इक्वल टू ए डी है वो किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है, तो क्या बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रेंट हैं, कैसे हैं हमारे पास ये भी एंगल ये भी एंगल और ये क्या है साइड, तो क्या बोल देंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट से। अब हम क्या बोल सकते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो क्या बोल देंगे ओ बी है वो किसके इक्वल है ओ ए के इक्वल है, तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्या बोल देंगे भाई सी पी सी टी। और अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है किसको ए बी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं भी दो पैरेलल लाइंस को पी और क्यू को, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी डी ए, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल्स ए बी डी ए बी सी सॉरी ए बी क्या दे रखा ए बी सी, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास किसकी सी डी ए के लिए, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इन दिस फिगर ए बी सी डी क्या बन गया एक पैरेलोग्राम बन गया, इन विच ए सी क्या हो गया इसका एक डायगनल हो गया, ए बी है वो पैरेलल होगा किसका डी सी का, और जो बी सी है वो पैरेलल होगा किसके ए डी के, तो हम क्या बोल सकते हैं ट्रायंगल को प्रूव कर रहे हैं ए बी सी एंड सी डी ए, तो बी ए सी इज इक्वल टू डी सी, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा दोनों में एक दूसरे का, बी सी ए डी सी वो भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ए सी दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ए एस ए एंगल साइड एंगल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या दे रखे हैं, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑफ ऑन एल, और बी हमारे पास कोई पॉइंट है जो किस पे है एल पे, बी पी एंड बी क्या हुआ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, और जो बी क्या हुआ वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी बी से
टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आर्म्स पे शो दैट ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए क्यू बी और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखो ये आपके पास दे रखा है, ये आपकी फिगर है। फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी ये हमारे पास जो ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। सबसे पहले ए बी हमारे पास दोनों में कॉमन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो चीज़ इक्वल हो जाएंगी। फिर ये जो लाइन है ये इसको हाफ में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल बनेगा। तो तीन चीज़ इक्वल दिखानी थी बस हमें, ए पी बी एंड ए क्यू बी। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू क्या है, क्यू ए बी, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल ए। जो हमारे पास एल लाइन ड्रॉ कर रखी है वो क्या बोल रखा है कि बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स हाफ में डिवाइड कर रही है किसको, एंगल ए को। नेक्स्ट है हमारे पास ए पी बी, ए पी बी यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर क्या है ए क्यू बी, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और क्या है ए बी, दोनों में क्या है कॉमन है हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी क्या है कॉन्ग्रेंट है। कैसे, एंगल हो गया ये हमारे पास क्या हो गई, एक साइड हो गई ये एंगल, एंगल एंगल साइड, तो क्या बोल देंगे इसको एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट। अब एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, फर्स्ट में तो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, सेकंड में क्या प्रूव करना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अभी हमारे पास कॉन्ग्रेंट है तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू क्या बोल देंगे भाई सी पी सी टी, तो भाई सी पी सी टी हमने क्या बोल दिया कॉन्ग्रेंट है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इट मीन्स आप में इक्वल है, इक्वल है तो क्या बोल देंगे कि जो बी है वो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट क्यू से भी और पॉइंट ए से भी, ये इन्होंने प्रूव करना था फ्रॉम द एंगल ए, ये भी क्या है इक्विडिस्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको क्या दे रखा है, इन द इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, आपको ये एक फिगर दी हुई है और इसमें क्या बोल रखा है ए सी है वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, कि आपको जो ये साइड दे रखी है इसके इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी है ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ये दो भी इक्वल हो गई हमारे पास। एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी ये हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा, ये किसके इक्वल है ई ए सी, ई ए सी ये एंगल आ गया, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। शो दैट हमें प्रूव करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई, की जो बी सी है वो किसके इक्वल है डी ई के इक्वल है। तो इसके लिए देखो हम कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन में क्या है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी गिवन है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया डी ए सी ऐड कर दिया, डी ए सी ये जो हमारे पास एंगल है ये दोनों साइड ये और ये एंगल इक्वल दे रखा है, तो ये एंगल मैंने इधर भी ऐड कर दिया और यही एंगल इधर भी ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा एडिंग कर दिया तो क्या आ जाएगा बी ए डी प्लस डी ए सी। अब देखो बी ए डी ये एंगल प्लस इसके अंदर ये कर दिया तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा ए बी ए सी क्या बनेगा इस एंगल का पूरे का बी ए सी, तो इधर क्या बनेगा बी ए सी इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या है ई ए सी ये एंगल प्लस ये कर देंगे ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा हमारे पास ई ए डी सॉरी ई ए, क्योंकि अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी ए ई भी बोल सकते हैं हम इसको डी ए ई ये बनेगा हमारे पास, तो इसको हमने क्या लिख दिया डी ए ई। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स को हम प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डी ई, ए बी सी जो ट्रायंगल है और ए डी ई ट्रायंगल में गिवन क्या है ए बी इज इक्वल टू ए डी तो आपको गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू ए ई भी गिवन है, और बी ए सी इज इक्वल टू ए डी ई हमने क्या किया था अभी प्रूव किया था फर्स्ट में, तो हम क्या बोल देंगे कि तीनों चीज़ क्या हो गई इक्वल, दो साइड हो गई एक एंगल हो गया, क्या बोल देंगे साइड एंगल, साइड से क्या हो गया कॉन्ग्रेंट, और हमें प्रूव क्या करना था बी सी इज इक्वल टू डी ई क्या बोल देंगे बाई सी पी सी टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट दे रखा है, पी क्या दे रखा है उसका मिड पॉइंट, एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ई, ए ई है जो उसके सेम साइड में हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, ई कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, एक डी दे रखा है एक ई पॉइंट दे रखा है जो ए बी है उसके सेम साइड में।
हमें प्रूव करना है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये हमें जो एंगल दे रखा है ये प्रूव करना है किसके, ए बी ई कि ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, दे रखा है आपको गिवन है, एंड ई पी ए ये जो एंगल है ये दोनों भी इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है डी ए पी ये जो ट्रायंगल्स है वो किसके इक्वल प्रूव करनी है, ए बी पी के। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें तो हमारे पास गिवन है, देखो ये मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ये इसके इक्वल है, तो सबसे फर्स्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ई बी पी, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों क्या P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, बिकॉज जो P है वो हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट ए बी पे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है ये एंगल भी दोनों का इक्वल दे रखा है, तो क्या बोल देंगे एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल ए बी ई के इक्वल है, ये भी हमारे पास गिवन है तो ये भी इक्वल आ गया हमारे पास, और क्या है ये भी एंगल इक्वल दे रखा है तो ये भी इक्वल दिखा देंगे हम, क्या बोल देंगे इसके लिए देखो ये अगर हम एंगल लेते हैं तो इसमें तो ये पूरा का पूरा इंक्लूड है, इधर से अगर हम ये लेते हैं तो ये पूरा इंक्लूड, तो दोनों में ये एंगल ऐड कर देंगे, इस एंगल का नाम क्या है ई पी डी, देखो कैसे ई पी ए ये आपको गिवन दे रखा है, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी ये गिवन है, दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया ई पी डी, डी पी ई ऐड कर देंगे दोनों साइड तो इधर क्या बन जाएगा डी पी ए, दूसरी साइड हमारे पास क्या बन जाएगा ई पी बी, और दोनों फिर हम ट्रायंगल्स को भी क्या बोल देंगे कॉन्ग्रेंट बोल देंगे, तो क्या बोल सकते हैं अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी है वो बी ई के इक्वल है, तो क्या बोल सकते हैं भाई सी पी सी टी ये दोनों भी क्या हैं इक्वल हैं, और ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल्स दी हुई है और उसमें आपके पास क्या है हमें प्रूव क्या करना है, इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी ये जो ट्रायंगल है ये किसके इक्वल प्रूव करनी कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है बी एम डी इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें देखते हैं फर्स्ट में क्या करेंगे जो डी एम है क्योंकि इसका मिड पॉइंट है हमारे पास एम, डी एम है वो किसके इक्वल होगा सी एम के इक्वल होगा, और इधर से बी एम है वो किसके इक्वल होगा ए एम के इक्वल होगा, डी एम इज इक्वल टू सी एम आपको दे रखा है, ये हमारे पास एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एम है तो ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा दोनों में इक्वल बनेगा, तो क्या बोल देंगे हम डी एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एम सी, ये क्या आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दोनों को हम क्या बोल सकते हैं फिर कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी एम डी। क्या क्या प्रूव कर दिया हमने, तीन इक्वल प्रूव कर दिए डी एम, एक तो हमने ये प्रूव किया, एक हमने एंगल को प्रूव कर दिया, और थर्ड हमारे पास क्या था डी एम बी, और थर्ड हमारे पास क्या था डी एम बी एम, ये हमारे पास साइड इक्वल प्रूव कर दी, ये प्रूव कर दी ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया साइड एंगल साइड, तो इसको हम क्या बोल देंगे बाई साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट। सेकेंड हमें प्रूव करना है कि डी बी सी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल, डी बी सी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल, इसके लिए हम क्या प्रूव कर देंगे हमारे पास एक सिंपल है कि जो ये दोनों है क्या है कि पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स हैं, उससे हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे, देखो ए सी है वो पैरेलल है किसके बी डी के, रीज़न हमारे पास क्या है कि जो डी बी एम है एंगल डी बी एम एंड सी ए एम आर अल्टरनेट एंगल्स, जो डी बी एम है यहाँ पे जो एंगल बनेगा डी बी एम यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो उसका अल्टरनेट क्या होगा यहाँ पर उसका अल्टरनेट एंगल आएगा, अब क्या कर सकते हैं हम डी बी सी एंगल डी बी सी प्लस डी बी सी प्लस ए सी
बी, दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 दे रखा है। तो डी बी सी इज इक्वल टू, ये दोनों हमारे पास क्या थे, इक्वल थे, अल्टरनेट कर रखा था, तो ये है तो ये भी, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल था तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो 2 times DBC आ जाएगा, इधर जाएगा 180/2 क्या आ जाएगा 90, तो क्या बोल देंगे DBC इज इक्वल टू 90। और DBC अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB, इसमें भी हमारे पास वही चीज़ गिवन है, DB इज इक्वल टू AC गिवन है और BC है वो हमारे पास दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। DBC है ACB दोनों में कितने डिग्री का एंगल, अभी हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूव किया है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और लास्ट हमारे पास क्या है, जो DBC है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ACB के बाई साइड एंगल साइड। उसके बाद लास्ट हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू 1/2 AB, ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CD, दोनों का हमने हाफ कर दिया, 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD, इसको हमने एज इट इज रख लिया। अब जो हमारे पास CD है, CD हमारे पास क्या है, ये इसका अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, CM आ जाएगा या DM, हमें क्या लिखना था CM, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1/2 AB इज इक्वल टू इसका हाफ क्या आ जाएगा, CM, और यही हमें प्रूव करना था। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। ओके, थैंक यू।